दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका t9schools.com में। दोस्तों हर एक पेरेंट्स का सपना होता है, हर एक स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो मेडिकल का स्टूडेंट बने, मेडिकल करे, डॉक्टर बने। डॉक्टर में भी दोस्तों अगर बड़े कोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा तो MBBS होता है। अगर कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट्स है जिसने 12वीं PCB से करी है तो हर कोई चाहता है कि वो MBBS में एडमिशन ले, एक बड़ा डॉक्टर बने। वो लोग जो MBBS को ज़्यादा टफ मानते हैं वो सोचते हैं कि वो BAMS या फिर BHMS में एडमिशन ले लें। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट सक्सेस हो पाते हैं, बहुत ही कम लोगों को एडमिशन मिल पाता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है इन कोर्सेज़ में। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ सीधा एडमिशन लेने का तरीका, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BHMS हो, चाहे वो BAMS हो, इन तीनों ही कोर्सेज में अगर आपको सीधा एडमिशन चाहिए, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको सीधा एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एडमिशन चाहिए इनमें से किसी भी कोर्स में, तो क्या आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसके लिए यहाँ पर बात करते हैं। कुल मिलाकर 12वीं पास छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है, यानी वो छात्र जो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें से किसी भी कोर्स में, तो एडमिशन लिया जा सकता है। कैसे? डायरेक्ट एडमिशन विद वेरी लो फीस, एडमिशन इन इंडिया। यहाँ पर हम एडमिशन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें। अब दोस्तों अगर कोई भी आपको पूछे या कोई भी, सभी को पता है कि यहाँ पर अगर आपने 12वीं PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है तो आपके सामने अगर इंडिया में कुछ सबसे अच्छे करियर बनाने का स्कोप मिलता है तो उसमें सिर्फ चार कोर्सेज ही आपको दिखाई देते हैं, MBBS, BAMS, BDS और BHMS। इसमें भी दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए कि बेस्ट क्या है तो MBBS है, यानी नीचे वाले जो तीन कोर्सेज हैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, हर कोई MBBS में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों MBBS के बारे में बात करें तो MBBS में एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स यहाँ पर होती हैं। जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं MBBS में जो नहीं जा पाते वो BAMS, BDS या BHMS कर लेते हैं, और दोस्तों ये कोर्सेज करके भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो BAMS करके या BHMS करके या फिर BDS करके भी MBBS वाले डॉक्टर से भी ज़्यादा इनकम कर लेते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता ही है कि MBBS, BAMS, BDS या BHMS इनमें से कोई सा भी कोर्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें 12th होना चाहिए पास, और वो 12th भी आपके पास 12th में बायोलॉजी ज़रूर होनी चाहिए, केमिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए और फिजिक्स ज़रूर होनी चाहिए। यानी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं पास किया हुआ है तभी आप दोस्तों यहां पर एलिजिबल होते हैं MBBS, BAMS या BHMS या BDMS या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का कोर्स करने के लिए। अब दोस्तों इसमें भी कंडीशन ये है कि मिनिमम आपके मार्क्स कम से कम 50% तो होने ही चाहिए 12th में अगर आपको एक डॉक्टर बनना है। लेकिन दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% की छूट करके 40% ही मिनिमम मार्क्स हैं 12th में। तो दोस्तों SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 40% में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए ही चाहिए 12th में। अगर आपके 12th में 50% हैं तो इसके बाद अगला जो आपका टारगेट होता है वो होता है दोस्तों कि नीट आप क्वालिफाई करें, क्योंकि दोस्तों नीट का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया फिर तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नीट का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया फिर भी आपको डॉक्टर बनना है तो उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, अब दोस्तों MBBS, BAMS और BHMS इन तीनों ही कोर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4.5 साल होता है, लेकिन इन सभी में 1 साल का अप्रेंटिस जो है वो भी कंपलसरी होता है, तो कुल मिलाकर 5.5 साल के ये कोर्स होते हैं। BDS की बात करें तो 5 साल का होता है जिसमें 4 साल का कोर्स और 1 साल का अप्रेंटिस कंपलसरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो तरह की फीस होती है, नीट क्वालिफायर यानी नीट जो इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों उनके लिए तो MBBS की फ़ीस बहुत ही कम होती है। भारत में सबसे कम गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है वो 1.39K है सालाना, यानी लगभग 1390 रुपये सालाना फीस जाती है MBBS की। इसके अलावा बस आपका रहने खाने का ही खर्चा आता है, और सबसे महंगा जो गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया में उसकी फ़ीस जाती है 85,500 पर ईयर, MBBS की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सबसे
सस्ती फीस जाती है 1.39 की, ये जाती है एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एम्स में इतनी फीस जाती है 1390 रुपये पर ईयर अगर MBBS क्रैक करके आप एम्स में एडमिशन ले लेते हैं तो। इसके अलावा जो वेल्लोर है, CMC वेल्लोर जो है, उसमें 85,500 रुपये फीस जाती है हर साल अगर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो MBBS क्रैक करने के बाद। इससे महंगा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज भारत में MBBS का नहीं है। तो दोस्तों अगर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 1390 रुपये से 85,500 रुपये के बीच सालाना फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी आपका जो सालाना खर्च बैठेगा यहाँ पर बहुत ही कम बैठ रहा है। BAMS या BHMS की फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में भी यहाँ पर 2000 से लेकर 90,000 तक है और BDS की फ़ीस भी 2000 से लेकर 90,000 तक है। ये एक्चुअली जो ये महंगे वाले कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट में, ये कहीं ना कहीं सेमी प्राइवेट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो नीट का एग्ज़ाम है उसी के बेस पर यहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। जो बहुत सस्ते वाले हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट होते हैं। तो दोस्तों ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में फ़ीस होती है, MBBS, BAMS, BHMS या BDS की आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत ही कम है, कोई भी जिसे अफोर्ड कर सकता है। आपके पास बिल्कुल भी सालाना इनकम नहीं है फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो 1390 रुपये, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। BAMS, BHMS की फ़ीस के लिए भी 2000 कोई भी अफोर्ड कर सकता है, BDS की फ़ीस के लिए भी सालाना के लिए 2 के कोई भी यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में बिल्कुल भी महंगी फ़ीस नहीं है, लेकिन जनरल में अगर प्राइवेट कॉलेजेज में बात करें, यानी अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं होता तब कितनी फ़ीस है। देखिए MBBS में ऐसा कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है जो आप नीट क्वालिफाइड नहीं करते तो आपको 70 लाख से नीचे मिल जाए। MBBS में आपको 70 लाख देने ही पड़ेंगे, 5.5 साल की जो होती है, यानी हर साल के आप यहाँ पर देख लीजिए 15-16 लाख का खर्च आपका कम से कम आ गया, 15 से 20 के आसपास, और 1.5 करोड़ तक भी इसकी फ़ीस जाती है। जो हम थोड़े अमीर लोग हैं वो थोड़े अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन ले लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पर फ़ीस और ज़्यादा जाती है। फिर MBBS की बात करें फ़ौरन की, अगर दोस्तों MBBS आप इंडिया से नहीं करते, नीट क्वालिफाइड भी आपने नहीं किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि आप फ़ौरन से कर सकते हैं, तो कुछ देखिए वैसे तो जो किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, इनमें बहुत ही सस्ते में MBBS हो जाता है। पूरा आपका 12-13 लाख रुपए फ़ीस है पूरे 5 साल की जो भी इनका कोर्स है, और रहने वहने का सब मिलाकर पूरा 5-6 साल का 18 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख रुपये महीने का साल का आपका खर्च पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर अच्छे कंट्रीज़ की, लाइक यूक्रेन। यूक्रेन एक जो है एक यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ पर भी जो 20 लाख का पैकेज है लगभग 5 साल का, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है, और रहने वहने का जो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 28 से 30 लाख के आसपास आप अपना 5-5.5 साल का लेकर चल सकते हैं अगर MBBS आपको विदेश से करना है तो। यूक्रेन से अच्छा कोई कंट्री नहीं है। यूक्रेन में एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बात करें BAMS की, तो दोस्तों BAMS या BHMS के लिए अगर बाहर जाते हैं आप करने तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर भी ये कोर्सेज लगभग उसी कीमत पर होते हैं जिस कीमत पर इंडिया में होते हैं। इंडिया की बात करें और BAMS के एडमिशन की बात करें तो दोस्तों आपका जो स्टार्टिंग होगा वो 12 से 14 लाख के आसपास होगा, 12 से 14 लाख यानी लगभग 5.5 साल का कोर्स है, तो आप हर साल का लगा लो 2.5 से 3 लाख के आसपास आपका यहाँ पर बजट है, तो BAMS में एडमिशन ले सकते हैं, और BHMS में भी लगभग इतने ही बजट पर एडमिशन ले सकते हैं। और BDS की भी बात करें तो BDS में भी 3 लाख के आसपास सालाना बजट अगर आपका है तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें इंडिया में तो दोस्तों इससे सस्ता नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें बैठना ज़रूर पड़ेगा। वो क्वालिफाई आपने किया है या नहीं किया है वो एक अलग बात है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम आपको देना ज़रूर पड़ेगा, और नीट का एग्ज़ाम 3 साल तक के लिए क्वालिफाई होता है। मान लिया आप 3 साल पहले बैठे थे नीट के एग्ज़ाम में तो इस साल तक के लिए वो क्वालिफाई है, पिछले साल बैठे थे तब भी क्वालिफाई है, उससे पहले बैठे थे तब भी क्वालिफाई है, इस बार बैठ रहे हैं तो अभी तो इसका एग्ज़ाम ही सितंबर में है तो वो तो आप बाद में क्वालिफाई करेंगे। अभी तक जो पिछले यहाँ पर बैठे हैं, कोई अगर आपको ये कहता है कि नीट एग्ज़ाम में आपको बैठना भी नहीं है फिर भी हम आपका एडमिशन करा सकते हैं मेडिकल कोर्सेज में, तो दोस्तों वो झूठ बोल रहा है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रहे। नीट में बैठना कंपलसरी होता है, अगर आपको चाहे तो विदेश में एडमिशन लेना है, चाहे तो
अपने देश में एडमिशन लेना है। विदेश में भी अगर आपको कोई ये बोले कि नीट के बिना विदेश से वो MBBS आपको करा देगा, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी उसकी बात ना माने, नीट आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप MBBS कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दूसरे करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 2-3 लाख रुपये भी सालाना नहीं लगा सकते हैं, और मतलब इंडिया में इतनी सैलरी भी किसी की नहीं होती, इतना पैकेज भी किसी का नहीं होता। ये जो 15-16 लाख भी रुपये होते हैं दोस्तों 5 साल के, ये बहुत ज़्यादा महंगे हमें दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है, पैसा है नहीं। तो दोस्तों उसमें फिर गुड ऑप्शंस आपके पास जो आते हैं, वो आता है नंबर वन पर, आता है बी फार्मा में आपको लगभग 2.8 लाख से 8 लाख तक के बीच की फीस मिलेगी। तो कोई भी सस्ता कॉलेज भी आप पकड़ेंगे बी फार्मा का, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए पड़ेगा, लगभग 4 साल का ये कोर्स होता है। हर साल आपको 60-70 हज़ार रुपये अगर दे सकते हैं, बी फार्मा कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा एजेंसी, जो मेडिकल खोलने का लाइसेंस मिल जाता है, किसी भी जो फार्मा कंपनी है उसमें अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, या फिर MR की जॉब मिल जाती है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसी तरह से आप डी फार्मा कर लेते हैं, डी फार्मा 2 साल का ही होता है, बी फार्मा 4 साल का होता है। तो डी फार्मा 2 साल का ही होता है, इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको डी फार्मा में 1 लाख के आसपास ही फीस में काम हो जाएगा, कोई सस्ता सा कॉलेज आप पकड़ते हैं तो। और BSc लैब की बात करें तो ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी दोस्तों 1 लाख से 4 लाख तक के आसपास आपकी फ़ीस होती है, मिनिमम फीस 1 लाख आप मानकर चलिए। तो 3 साल की 1 लाख हो गई, तो मतलब वही 30-35 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस होती है। इसके बाद काफ़ी सारे फ़ायदे आपको ये होते हैं कि आप अपनी लैब भी खोल सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं, मतलब ये जो कोर्सेज हैं इनमें भी। लेकिन दोस्तों BAMS, BHMS, BDMS, MBBS ये तो बेस्ट हैं, इनमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों और बात ये भी आती है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए इनमें से किसी भी कोर्स में, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो BSc लैब है, चाहे वो डी फार्मा है, या वो MBBS है, MBBS फॉरेन में, या इंडिया में भी चाहिए, लेकिन इंडिया में आपको दोस्तों फीस बहुत महंगी पड़ेगी, BMS या BHMS या BDS में एडमिशन चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो नंबर है 9999993008611। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर पिंग कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज, अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए इस साल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी, वो भी आप चेक कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।